वर्कआउट करने के बाद पैर को रिलैक्स कैसे करें। जय हिंद साथियों, बिरुद्दीन आर्मी फिजिकल एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं जैसे कि एक्सरसाइज पैरों का बच्चे कर रहे हैं, तो साथियों पैर को रिलैक्स कैसे करते हैं। जैसे वर्कआउट करने के बाद आपका पैर भर जाता है, जाम हो जाता है, थक जाते हैं, तो साथियों पैर को रिलैक्स कैसे करें। तो साथियों इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। तो साथियों पैर को रिलैक्स बराबर वर्कआउट करने के बाद किया जाता है। पैर की एक्सरसाइज आपको बराबर करना है, क्योंकि साथियों आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में मजबूती नहीं आएगा। मांसपेशियाँ मजबूत बनाने के लिए आपको वर्कआउट करने के बाद डेली पैर की एक्सरसाइज करनी है। पैर की एक्सरसाइज करने से आपकी रनिंग की स्टेमिना बढ़ती है। चला तो आराम मत करना मारा। हां सारी कदर था ए जमा से साथियों आप लोग देख रहे हैं ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एक्सरसाइज आपके पैरों को खोलने के काम में आता है, जैसे कि आपकी नसें खुल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं घुटने के नीचे वाली जो पीछे वाली नस होती है वो जो है कि नहीं खुल पाती है, लेकिन अब आप ये एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो आपकी नस खुलने लगेगी। तो पैर की ये जो है कि बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। वर्कआउट करने के बाद ये सब आपको बराबर करना है कंटिन्यू, क्योंकि यार वर्कआउट करने के बाद पैर को रिलैक्स करने का एक्सरसाइज है, पैर को ढीला करने का एक्सरसाइज है, क्योंकि आपका पैर भर जाता है, जाम हो जाता है। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैर भर जाए तो साथियों आप घर पर जाए तो नमक और पानी से पैर की धुलाई करें, जिससे कि आपका पैर ढीला हो जाए। साथियों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करें तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। जय हिंद, जय भारत।